अभी हम मौजूद हैं नवादा जिला के नारदीगंज थाना अंतर्गत ननौरा गांव में। और आपको बता दें, इस गांव में मातम छाया हुआ है। इस गांव के जो है एक होनहार कह सकते हैं नवयुवक का जो है करंट लगने से मौत हो गई है, जिसके बाद जो है इस गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। देख सकते हैं, घटना की सूचना मिलते ही भावी सांसद उम्मीदवार विनोद यादव जी पहुँचे हैं और पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दिए और साथ ही जो है आर्थिक मदद किए। देख सकते हैं हमारे साथ कुछ सामाजिक लोग हैं और साथ ही विनोद यादव जी हैं, हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे और जानना चाहेंगे कि पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और आर्थिक मदद किए हैं। और आप सोच सकते हैं, एक माता पिता के लिए अपने बेटे को, जवान बेटे को जो कंधा देना पड़े, तो इससे बड़ा दुख जो है हो ही नहीं सकता है। ऐसे में देख सकते हैं हमारे साथ भावी उम्मीदवार जो है विनोद यादव जी, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, जहाँ भी किसी प्रकार की घटना होती है, आप तुरंत जो है पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, उनको आर्थिक मदद करते हैं, तो ऐसे में सर इस परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है। नारदीगंज प्रखंड के ननौरा गांव है जी। 22 वर्ष का मात्र उम्र का बच्चा था जी, और पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे 2.5 साल 3 साल का 4 साल का छोड़ के अपने पीछे चला गया। और इस दुख के घड़ी में हम मिलने आए हुए हैं और वो ये उनके गार्जियन हुए, बगल में बैठे हुए हैं जी। उनको हमने बताया है कि किसी तरह का भी कभी भी भविष्य में कोई भी समस्या हो, हम इनको अपना नंबर दे दिए हैं कि मतलब दिन हो या रात हो, कभी भी हमसे बात अपना कर सकते हैं। और आगे उन लोग बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई कभी का अच्छी होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत होगा उसमें हम सहयोग प्रदान करेंगे। सर, करंट लगने से मृत्यु हुई है और जहाँ तक पारिवारिक लाभ जो होता है, क्या परिवार को मिल पाया है? हाँ, तो बगल में मुखिया जी बैठे हुए हैं, तो देख सकते हैं हमारे साथ इस ग्राम पंचायत के मुखिया जी भी हैं, हम इनसे भी जानना कुछ चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप सर। सर, आपके पंचायत में जो है एक दुखद घटना घटी है और एक होनहार कह सकते हैं 22 वर्ष के युवक का जो है करंट लगने से मृत्यु हो गई है, तो पीड़ित परिवार के सर कुछ आर्थिक सहयोग के लिए सर आपकी क्या भूमिका रही है? हम लोग इस परिवार से उस दिन मिले जी, वो तो उस समय बहुत दुखद घटना थी, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन हम लोग जैसा महसूस किए कि जो सरकारी नियमानुसार जो है पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो उसका कॉज दिखाया जाता है ना, तो ऐसा इन लोग मैंने इनकार किए कि नहीं नहीं मेरा बच्चा अब चला गया है। तो हम इस हालत में मैंने बहुत मैंने इस ऐसा पोजीशन हो चुका था इस परिवार को, अब पूरे गांव का हो चुका था कि मैंने कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे, हमने प्रयास किया। अब इसके बाद अगर आर्थिक लाभ सरकार से मिलती है जी, तो हम लोग उसमें लग सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन वो इच्छुक होंगे तब ना। हमारे साथ देख सकते हैं प्रिंस तमन्ना जी भी हैं, हम इनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे। आज हम लोग नारदीगंज के ननौरा में बैठे हुए हैं। यहाँ आबिद नाम का एक लड़का, 22 साल का नौजवान लड़का, जिसकी छोटी छोटी दो बच्ची और पत्नी है, करंट लगने से मौत हो गई और उसी को धाड़स बंधाने के लिए, उनके परिजन से मिलने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद यादव जी के छोटे भाई विनोद यादव जी, जो प्रदेश के महासचिव हैं और लोकसभा के भावी सांसद हैं, अपने तमाम साथियों के साथ, देखिए जिला परिषद है, नीतीश राज जी हैं, मुखिया आदरणीय मुखिया जी हैं, शकील जी हैं, भोली जी हैं, तमाम साथियों के साथ, जिला परिषद के अध्यक्ष चेयरमैन साहब हैं कुणाल राजवंशी जी हैं, तमाम साथियों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं कि अपनों के बीच अपनों के साथ जो घटना घटी है तो काफ़ी दुख भरी घटना है, लेकिन भगवान और अल्लाह ईश्वर के आगे कुछ चलता नहीं है, इसी बहाने मौत था। लेकिन हम लोग तो दुआ ही करेंगे कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आदरणीय विनोद यादव जी ने कहा है कि बच्ची की पढ़ाई के लिए जो भी जहां तक संभव होगा हम मदद करेंगे और आपके साथ हम लोग हैं और रहेंगे। सर, एक माता पिता के लिए जो है जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है कि अपने जवान बेटे को जो है अर्थी देना पड़े, तो इस माँ बाप के लिए सर आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? घटना तो बड़ी घटना घट गई जी, और प्रशासनिक लापरवाही भी है। अभी जैसा हम लोग के अध्यक्ष शंभू मालाकार जी ने बताया कि तुरंत इनको कबीर अंत्येष्टि के तहत 3000 रुपया मिलना चाहिए था, 20000 रुपया का चेक BDO साहब को देना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। अभी आदरणीय विनोद यादव जी बात करेंगे BDO साहब से,
प्रशासनिक लाभ भी इनको मिलना चाहिए जो नहीं मिला है। अब तो घर का गार्जियन, घर का साया सर से उड़ गया। तो ऐसे में हम लोग तमाम लोग इनके साथ कदम से कदम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और रहेंगे। घटना का सर कितना दिन हुआ? 10 तारीख को घटना घटा है और नौजवान लड़का था, पूरा चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सारा समाज सारा बिरादरी इस दुख के घड़ी में महमत है। पूरा गांव बहुत ही एकजुट है, खूबसूरत है, सब लोग आपस में मिलते हैं जुलते हैं, एक जगह बैठते हैं। एक मिनट, 10 अगस्त की सर घटना है, लगभग देखा जाए तो काफ़ी दिन हो गया है। ऐसा ही एक मामला सर नवादा जिला के कह सकते हैं बेगराजपुर गांव की थी, वहां भी प्रशासन की ओर से जो लापरवाही बरती गई थी, लेकिन भावी सांसद उम्मीदवार विनोद यादव जी पीड़ित परिवार से मिलने गए। जब इनको पता चला कि 25 दिन तक जो है परिवार को लाभ नहीं मिला है, इन्होंने तुरंत जो है और न कैमरा जो है हमारे कैमरे पर हकीकत सब तक न्यूज़ के कैमरे पर ही इन्होंने बात किया वीडियो साहब से और तुरंत जो है उनको जो है मदद दिलवाया। अब 25 दिन के बाद जो ही विनोद जी वहाँ गए, इनको पता चला कि ठनका गिरने से, बिजली गिरने से ममता देवी की मौत हो गई, 35 वर्षीय महिला का, और उसको आर्थिक मदद कुछ नहीं मिला। तुरंत वीडियो साहब से इन्होंने बात किया और तुरंत कार्रवाई हुआ, 4 लाख का चेक उनको तुरंत मिला जी। तो कहीं ना कहीं चाहे आप देख रहे हैं कि दिन हो या रात हो, चाहे 12 बजे हो, 1 बजे, 2 बजे रात, निरंतर लगातार पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र में नौजवान नेता हैं, युवा हैं, युवा का उभार है काफ़ी इनके साथ और एनर्जेटिक हैं, नौजवानों के आइकॉन हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार सुबह से हम लोग हर जगह घूम रहे हैं, जहां भी दुख हुआ, संकट हुआ, बिजली से ठनका से लोग मर गए, बीमार हो गए, तो जनता सेवा भाव से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूदे हैं और रहेंगे। चूँकि विनोद जी ने कहा है कि अगर किसी को धन कमाना है तो राजनीति छोड़ना होगा, उसको कोई धंधा करना होगा या बिजनेस करना होगा, लेकिन आप राजनीतिक में आए तो जनता का सेवा करना होगा, जनता के दुख में दर्द में शामिल होना होगा, वही असली नेता है। धन्यवाद। बिल्कुल, और ऐसा बराबर देखा जा रहा है, कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती है तो विनोद यादव जी के कानों में जैसे ही सूचना मिलती है बिना विलंब किए पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, उनको आर्थिक मदद करते हैं, लगातार जो है ऐसा देखा जा रहा है। ऐसे में देख सकते हैं अभी रात के तकरीबन 9 बजे नारदीगंज थाना के जो है ननौरा गांव में हैं और पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, इनको आर्थिक मदद भी किए हैं। बाकी आप लोग देख रहे थे हकीकत सब तक। धन्यवाद। जय हिंद।